गाइस गुड मॉर्निंग, कुकडेली में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हूँ भुने हुए चने के ऐसी रेसिपी कि आपको बहुत पसंद आने वाली है। पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा गाइस। तो चलिए इस रेसिपी को हम शुरू करते हैं। तो इधर सबसे पहले हम प्लेट ले लिए हैं, इधर भुने हुए हम चने ले लिए। तो चने आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगी, आप चाहे तो घर पर भी आप भून के ही इसे तैयार कर सकते हैं। तो इस प्लेट में हम डाल देंगे सारे भुने हुए चने, डालकर हल्के हाथों से हम ऐसे मसल लेंगे तो छिलका आसानी से ही निकल जाएगी। अभी मोटी वाली हम झारा ले लिए हैं, अब इसी से हम सारे छिलके के हम छान लेंगे। अब इसी में हम डाल देंगे भुने हुए चना। इस तरीके से आप छानेंगे तो आसानी से ही पूरा छिलका हट जाएगी। तो चना अच्छे से हम छान लिए हैं, आप देख सकते हैं कादगो छिलका रह भी जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। और इधर हम ले लिए हैं ग्राइंडिंग जार ले लिए हैं, अब इसी में डाल देंगे 7-8 हम बादाम ले लिए हैं और 5 हम काजू ले लिए हैं, इसी में डाल देंगे। 2 छोटी चम्मच हम मिल्क पाउडर ले लिए हैं, अब इसी में हम डाल देंगे। ढक्कन लगा के हम पीस लेते हैं, पाउडर बना लेंगे। तो इधर हमें कढ़ाई ले लिए हैं, गैस को ऑन कर दिए है, अब इसी में डाल देंगे 1/2 कप हम दूध। तो दूध आप उबला हुआ ले लीजिए, चाहे आप कच्चे दूध ले लीजिए, तो हम उबला हुआ दूध ले लिए हैं। अब 1 उबाल आने देंगे हम दूध के अंदर, दूध में 1 उबाल आ गया है। अब इसी के अंदर हम डाल देंगे भुना हुआ चना। अब भुना हुआ डालकर हम मिक्स कर लेंगे, अब मिक्स करके हम अच्छे से हम भुना हुआ चना हम पका लेंगे। तो फ्लेम क्या कर देंगे मीडियम टू लो, और मीडियम टू लो फ्लेम पर हम कवर करके हम पका लेंगे अच्छे से भुना हुआ चना। अब चेक कर लेते हैं, चने में अच्छे से अब्जर्व हो गया है, बिल्कुल इसमें दूध नहीं है, एकदम ड्राई हो गया है, चने के अंदर पूरा दूध अब्जर्व कर लिया है। तो इस तरीके से आपको ज़रूर इस स्टेप के आपको फॉलो करना है, इससे आपको एकदम मावा वाली इसमें टेस्ट आएगी। तो इसे हम ठंडा कर लेंगे, फैला देंगे, इसे ठंडा हो जाएगा। तो ये अच्छे से ठंडा हो गया है मिक्सर, अब मिक्सी ग्राइंडर में हम डाल देंगे और डालकर हम पीस लेंगे। तो बिना पानी बिना दूध के हम पीस के तैयार कर लेंगे। तो अच्छे से हम पीस लिए, आप देख सकते हैं एकदम दरदरा हम पीस के हम तैयार कर लिए हैं। तो इसमें थोड़ा सा भी इसमें भुना हुआ चने के इसमें टुकड़ा नहीं रहनी चाहिए, देख सकते एकदम दरदरा हम पीस के तैयार कर लिए हैं। अब इधर हम चाशनी बना के हम तैयार करेंगे। तो चाशनी बनाने के लिए हम इसी बाउल से हम मेजरमेंट किए थे चना, तब भुने हुए चना हम 1.5 बाउल हम चना ले लिए हैं। अब इसी बाउल से हम नाप कर ले लेंगे, 1 बाउल हम चीनी ले लेंगे। तो 1.5 बाउल हम चना लिए हैं, 1 बाउल हम चीनी ले लिए हैं और 1/2 बाउल हम पानी डाल देंगे। तो गैस के हम ऑन कर लिए हैं, अब चीनी के हम अच्छे से हम मेल्ट कर लेंगे। तो चीनी के हमें सिर्फ हमें मेल्ट करना है, एक तार के नहीं बनाना है। अब इसी में हम डाल देंगे पेस्ट तैयार किया हुआ, तो सारे पेस्ट हम डाल देंगे। तब हम अच्छे से चाशनी में हम मिक्स कर लेंगे। तो 2 मिनट हम अच्छे से हम पका लिए हैं, इसकी कलर एकदम ब्राउन हो गया है। अब इसी में थोड़ा सा हम डाल देंगे फूड कलर, हम दूध में मिक्स कर लिए थे, तो आप इसके जगह आप केसर के धागा भी आप डाल सकते हैं, इसमें थोड़ा सा अच्छा इसमें कलर भी आ जाएगा, देखने में लुक इसकी बहुत अच्छा लगेगा। अब इसी में हम डाल देंगे ड्राई फ्रूट, अभी पाउडर बना के रखा हुआ था, इसी में ऐड कर देंगे। 1/2 छोटी चम्मच हम इलायची पाउडर डाल देंगे, बर्फ़ी के अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इन सब डालने से एकदम इसमें मावा वाली इसमें टेस्ट आएगा। अब इन सबको हम अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो फ्लेम के हम रखेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर, हम अच्छे से हम इसे कढ़ाई छोड़ने तक हम पका लेंगे, आपको हाई फ्लेम पर नहीं पकाना है। अब हम डालेंगे इसमें घी, तो घी लास्ट में डालने से बढ़िया सी इसमें साइन आ जाती है और खुशबू बहुत अच्छा आती है,
तो इसी में हम 2 छोटी चम्मच हम घी डाल दिए हैं और घी डाल के अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो बिल्कुल कढ़ाई छोड़ दिया है, इकट्ठा एकदम इकट्ठा हो गया है ये मिश्रण, आप देख सकते हैं पूरा तैयार हो गया है। पूरा हमें पकाने में हमें 10 से 11 मिनट हमें लग गया है ये मिश्रण के पकाने में। ये तैयार हो गया है बर्फी के मिश्रण। तो बर्फी जमाने के लिए इधर हम थाली हम तैयार कर लेते हैं। आप चाहे तो हलवाई वाली ट्रे में भी आप बर्फी जमा सकते हैं। तो इधर हम घी ले लिए हैं, अच्छे से हम ग्रीस कर लेंगे ताकि बर्फी आपको चिपकेगा नहीं। अब इसी में हम डाल देंगे बर्फी के मिश्रण। तो बर्फी का मिश्रण अच्छे से हम फैला देंगे। तो मिक्सर के अच्छे से हम पेचुला से हम स्मूथ कर लिए हैं और थिकनेस अपना हिसाब से आप रख सकते हैं। तो इधर पूरा तैयार कर लिए हैं। इधर ड्राई फ्रूट हम ले लिए हैं, तो ड्राई फ्रूट अच्छे से हम लगा देंगे। तो ड्राई फ्रूट हम काजू और बादाम और मेलन सीड के बीज लिए हैं। तो आप अपना मनपसंद आप ड्राई फ्रूट आप लगा सकते हैं, चाहे तो चांदी के वर्क भी इस पर लगा सकते हैं। तो पेचुला की मदद से हम दबा देंगे, अच्छे से ड्राई फ्रूट सेट हो जाएगी। तो अब बर्फी के हम रख देंगे फ्रिज में हम 20 मिनट के लिए। 20 मिनट में सेट हो जाएगी। आप रूम टेम्परेचर पर रख रहे हैं तो आधा घंटा आप छोड़ दीजिए, आधा घंटा में अच्छे से ही बर्फी सेट हो जाएगी। 20 मिनट हो गया है, फ्रिज से हम निकाल लिए हैं, अच्छे से बर्फी सेट हो गया है। अब बर्फी के हम कट कर लेंगे। तो आप कोई सा भी सेम आप कट कर सकते हैं। तो ये आसानी से ही कट हो जाती है, एकदम सॉफ्ट बना है बर्फी, एकदम मुंह में जाते ही घुल जाने वाली बर्फी बना है, खाने में एकदम मज़ेदार लगती है बर्फी। तो आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन बना है, एकदम बर्फी, एकदम बिल्कुल एकदम हलवाई स्टाइल में। 1.5 कप चने से एक आधा कप दूध से 1 केजी बर्फी बनके तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं एकदम खाने में बहुत ज़्यादा ही टेस्टिंग लगता है। तो इस तरीके से आप रक्षाबंधन में आप बना सकते हैं बहुत आसानी से, आप कम सामान से या कम समय में आप बना के आप तैयार कर सकते हैं इस बर्फी के। तो आप देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट बना है बर्फी, एकदम दानेदार और सॉफ्ट बना है बर्फी, देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट, एकदम दानेदार, एकदम बना है, आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो लीजिए हम पूरा हम बर्फी हम सर्व कर लिए हैं, एकदम भुने हुए चने के एकदम टेस्टिंग बर्फी बनके तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं 1.5 कप चने से आप 1 केजी आप बर्फी बना के आप तैयार कर सकते हैं, बहुत आसान है ये बर्फी बनाना। तो झटपट बन के तैयार हो जाता है बर्फी। तो चलिए, आज की रेसिपी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा गाइस। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, अभी के लिए बाय बाय।